नमस्कार। आज मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी, तो बनाने से पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। यहाँ पे एक कटोरी रवा है, बारीक वाला रवा है सूजी, और इसी इसी कटोरी से 2 कटोरी दूध है, उसको मैं गैस पे रख दी हूँ। और इसी कटोरी से 2 कटोरी चीनी है चाशनी के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा इलायची है। चलिए बनाने चलते हैं। यहाँ पे मैं 2 कटोरी दूध रखी हूँ उबालने के लिए, तो उबाल आ जाए तब इसमें रवा डालूंगी। तब से मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। ये देखिए, इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये सूजी को इसमें डाल दे रही हूँ और इसको मिलाऊंगी। ये देखिए, ये पूरा मिक्स हो गया है। अब इसको एक थाली में निकाल लेते हैं। जब से रवा थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तब से मैं चाशनी बना के तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे 2 कटोरी चीनी है इसी कटोरी से, तो 1 कटोरी पानी डाल लेती हूँ इसमें। इसको एक तार नहीं बनाना है, सिर्फ इसको गलाना है चीनी। एक उबाल आ जाए फिर उसके बाद गैस बंद कर लेना है। ये देखिए, जब से चाशनी बन रहा है तब से ये हल्का थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। तो इसमें आप इलायची पाउडर मिक्स कर लेते हैं और इसको मिला लेते हैं। ये देखिए, चाशनी बन गया है, एक उबाल आ गया। अब इसको गैस बंद कर दे रहे हैं और इसको मैं मिक्स करके रखती हूँ। अब इसको थोड़ा थोड़ा लेके, छोटा बड़ा जितना बड़ा आप बना सकते हैं, बनाना है आपको उतना बड़ा बना लीजिए। इसको खूब चिकना चाहिए, चिकना करना है। ये देखिए, ऐसे बना बना के मैं रख रही हूँ। ये देखिए, गोला बन के तैयार हो गया है। अब चलिए इसको तल लेते हैं। यहाँ पे मैं तेल रख दी थी पहले से गर्म होने के लिए, तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, इसको थोड़ा गर्म होना चाहिए। तो धीमे आंच में पकाएंगे। उसमें एक एक करके इसको डाल देते हैं। ये देखिए, गुलाब जामुन पक चुका है। अब इसको निकाल के और सीधा चाशनी में डाल देती हूँ। ये देखिए, आप इसमें चाशनी में इसको डाल दे रही हूँ और 10 मिनट बाद आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, गुलाब जामुन बन के तैयार हो गया है। तो इसको आप ही घर पे बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में ये। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।